नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। इस वक्त हम राजधानी रांची के एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, जहां पे आए दिन लोगों का यहां पे जमावड़ा लगा रहता है। हालांकि आपको ये भी पता है कि कोरोना का जो थर्ड वेव है वो अक्टूबर में पीक पकड़ेगा, इसको लेकर केंद्र सरकार और WHO ने भी सभी राज्यों को चेतावनी पर रखा है। और जैसा कि आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज भी मास्क लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मास्क क्यों है ज़रूरी। भैया ये बताइएगा, मास्क आप नहीं लगाए हैं, क्यों मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है? पता है ना कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, अब बच्चों को ज़्यादा प्रभावी करेगा, तो मास्क आप नहीं लगाए हैं? मास्क तो आज घर से नहीं लाए, लेकिन कोरोना तो ये नहीं जानता कि मास्क घर लाए हैं या नहीं लाए हैं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप यहाँ पे गन्ना का जूस बेचते हैं, बहुत सारे लोग आते होंगे आपके ठेले में पीने के लिए, बहुत सारे लोग भी संक्रमित होते जाएंगे। संक्रमित तो हो जाते हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन मास्क कल से लाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक अच्छी बात है कि इन्होंने बोला कि मास्क आज छूट गया है, कल से लगाने की मास्क कोशिश करेंगे। एशिया न्यूज़ भी अपील करता है, कोशिश नहीं, मास्क ज़रूरी है, लगा के ही रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन आया है उसका लोग पालन करें। भैया आप मास्क लगाए हुए हैं, क्यों ज़रूरी है मास्क लगाना, क्यों बार बार सरकार जो है चेतावनी दे रही है? मास्क लगाना ज़रूरी इसलिए कि अभी बीमारी ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है, और तीसरा लहर का भी आने का बहुत संभावना है और आ चुका भी है कहीं कहीं, इसीलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी। एक अच्छी बात है झारखंड सरकार के लिए और झारखंड वासियों के लिए भी कि झारखंड वासी जो हैं सरकार का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, इसलिए अभी तक जो कोरोना का नया जो वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसका अभी तक एक भी मरीज झारखंड में नहीं मिले हैं। नहीं मिल रहे हैं इसके लिए कि जो मास्क का यूज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस बना कर चल रहे हैं, इसलिए मास्क बीमारी नहीं मिल रहा, तो अच्छा बात है। और आगे का भी अगर आदमी सोच कर चले कि मास्क नहीं पहनने से बीमारी बढ़ रहा है, तो मास्क लगा करके ही चले। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके निकल जाते घर के बाहर विदाउट मास्क। गलती है, मास्क लगाना ही चाहिए, मास्क नहीं लगाने से ही बीमारी बढ़ रहा है और मास्क नहीं लगाने का कारण है कि आज इतना झारखंड में और चाहे और विदेश में बीमारी बढ़ रहा है केवल मास्क के चलते। ये बताइएगा, कोरोना काल में सेकेंड वेव खत्म हो गया, झारखंड सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लगा कोरोना में? अच्छा ही है, बहुत अच्छा, और आगे के लिए भी अच्छा ही करेंगे। केंद्र सरकार भी इसको की है कि देश में तीसरा मुख्यमंत्री है झारखंड का हेमंत सोरेन, जो काफ़ी अच्छा कोरोना काल में काम किया, जीवन जीविका को लेकर काल में मरने छोड़ दिए हैं जनता को, झारखंड की जनता और रांची की जनता को। कैसे नहीं किए, नहीं करते तो आज झारखंड का जनता कितना मर जाता। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मास्क क्यों है जरूरी। भैया आप ऑटो चलाते हैं, टुक टुक ऑटो है? बहुत सारे लोग आपके ऑटो में बैठते होंगे। हमारा ऑटो वाला नहीं, तो विदाउट मास्क, तो आप देख सकते हैं कि ये जब पूछने की कोशिश की है, बात करने की हमने कोशिश की, एशिया न्यूज़ की टीम बात करने की कोशिश की, तो ये अपनी टुक टुक को आगे बढ़ा दिए। यहाँ पर एक और हम उनसे भी जुड़ेंगे, आपको सभी लोगों से आज यहाँ पर हम बात करवाएंगे और जानेंगे कि मास्क क्यों है ज़रूरी। चाचा मास्क आप लगाए हैं लेकिन नीचे करके लगाए हैं, मास्क क्यों है ज़रूरी? खा रहे हैं इसलिए लगाए हुए, मुंह में डाले। अच्छा, आपके दुकान है, बहुत सारे लोग आते होंगे आइसक्रीम खाने के लिए, सभी लोग मास्क तो लगाते नहीं होंगे, लेकिन मास्क क्यों है ज़रूरी? क्योंकि पता है ना कोरोना का थर्ड वेव बहुत खतरनाक है। हाँ खतरनाक तो है, तो विदाउट मास्क आते उन लोग को देते हैं? अब आता है खाता है तो क्या करे भैया, आधा से ज़्यादा लोग तो यहाँ मास्क नहीं लगा हुए है, देखिए तो उधर बैठे हुए हैं, चारों तरफ कहीं भी बैठे हुए हैं, लगाइए ना रहा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा भैया आप एक स्टूडेंट हैं? नहीं। ये बहुत कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है तो मास्क बहुत सारे लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना का थर्ड वेव जो है बहुत खतरनाक है और बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। झेलेंगे वो हम लोग, क्या अब समझेंगे थोड़ा, इसमें आप राज्य का सहयोग नहीं करेंगे? करने से होगा, जागरूक फैलाने से तो बहुत कुछ हो जाता है, अगर बोलेंगे तो लोग पहनने की कोशिश भी करेंगे। कहाँ से आए भैया? सैनिक कॉलोनी। मास्क नहीं लगाए हैं, कोरोना का थर्ड वेव खा रहे हैं सर, अब खाने टाइमिंग मास्क लगाएंगे तो कैसे चलेगा बताइए। भैया मान लिए खा रहे हैं, अच्छी बात है खाइए, कोई अगर आ जाता है पता नहीं है वो संक्रमित है या हम ही संक्रमित हो, तब मास्क प्रभावी आपको भी होंगे, तब मास्क लगाएंगे ना, अभी जरूरत नहीं है, अभी खाने का टाइम है, बस खा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोगों के पास तरह तरह के बहाने हैं, हम यहाँ पर और कुछ भी लोगों से जुड़ेंगे।
जो आए दिन यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और यहाँ पर मनोरंजन करते हैं। हम यहाँ पर कुछ और भी ऐसे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कैमरा को देखकर लोग यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं। दीदी, कैमरा को देखकर आप मास्क लगा रहे हैं? कैमरा को देख के मास्क नहीं लगाया, हम पहले लगाए थे, अभी खोले थे। कैमरा को देख के मास्क लगाया, लेकिन पता है ना कि ठंड में बहुत प्रभावशाली है। पता है, पता है। क्या बोल रहे हैं दी? कभी कभी मास्क लगाने से सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, जरा सा मास्क हटा लेना चाहिए। ज्यादा देर तक मास्क लगाने से भी लोग सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चों को ही कोरोना का जो ठंड है वो प्रभावित करेगा, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को विदाउट मास्क बाहर लेके निकल जा रहे हैं। बार बार सरकार जो है चेतावनी दे रही है कि संभल जाइए, क्या लोग फिर से चाहते हैं कि राज्य में लॉकडाउन हो या देश में लॉकडाउन हो? हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी तो सिर्फ यही चीज़ है कि जो अपने से जो गाइडलाइंस दिया गया सरकार द्वारा, जो भी प्रोटोकॉल जारी किया गया है, वही फॉलो करने से सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है, वरना थर्ड वेव आने से कोई किसी को नहीं बचा सकता है। लेकिन गाइडलाइन की अगर बात करें तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। झारखंड में अब मैं पर्टिकुलरली किसी को तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो भी पालन नहीं कर रहे हैं उनसे तो अनुरोध ही रहेगा कि प्लीज़ पालन करें, ताकि जो लोग पालन कर रहे हैं उनको भी उनके वजह से मतलब कुछ भी बुरा नतीजा का सामना ना करना पड़े किसी भी कारण से। तो यहाँ पर और भी कुछ हैं ऐसे जिनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि लोग मास्क का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार का दिया हुआ जो गाइडलाइन है लोग उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। भैया, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो बैठे हुए हैं लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया, सरकार तो बोल रही है कि घर से निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलिए, क्योंकि थर्ड वेव जो है बहुत खतरनाक है। हमारे पास है लेकिन क्या है कि अब ऐसा तो नहीं है कि एनवायरनमेंट खुला हुआ है तो थोड़ा तो लगाएंगे, ये तो नुकसान भी करता है, ऑक्सीजन उल्टा लेता है, ये तो तुमको भी पता है। सरकार क्या बोल रही है कि जहाँ पे ज़्यादा एक्वायर हो वहाँ पे लगा। मोराबादी में बहुत सारे जगह से लोग आते हैं, कौन से लोग संक्रमित है, कौन से क्या टच किए हैं? लाइन से हैं, हम लोगों को जहाँ जाना होता है पहले मास्क लगाते, सैनिटाइज करते, उसके बाद जाते हैं। ठीक है, एक अच्छी बात है। यहाँ पर और भी कुछ हैं, हम उनसे बात करें। ये भैया, आप लोग मास्क क्यों जरूरी है? मास्क है, जरूरी है। अब देख सकते हैं कैमरा के नज़र पड़ते हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो मास्क लगा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि एशिया न्यूज़ का ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद लोगों में जागरूकता आई और मास्क यहाँ पर लगा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई बात करने से हिचकिचारा, साइड में लोग जाके मास्क लगा लेते हैं फिर सामने आते हैं। से यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे कि मास्क क्यों है जरूरी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं कॉलेज के, देखिए आप कैमरे की नज़र पड़ते ये स्टूडेंट अपने वाहन से उतर कर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर भी मैं इनके पास जाऊंगा और पूछूंगा कि मास्क क्यों है ज़रूरी। भैया, वो लोग आपके जो फ्रेंड थे वो भाग गए कैमरा देख के, मास्क क्यों है ज़रूरी? मास्क कोविड, आप भी एक स्टूडेंट हैं, मास्क क्यों है ज़रूरी? मास्क क्यों है जरूरी? कोविड के वजह से यार। लेकिन आप लोग विदाउट मास्क है यहाँ पे भैया? भैया मास्क छोड़, बताइएगा भैया कि मास्क क्यों है जरूरी? हम तो हेलमेट पहने जी, हम क्या मास्क पहनेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं मास्क क्यों है जरूरी? मास्क इसलिए जरूरी है ताकि कोरोना वायरस फैल रहा है। लेकिन आपके जो यहाँ पे फ्रेंड बैठे हुए थे वो मेरे कैमरा को देख कर, एशिया न्यूज़ की टीम को देख कर वो साइड हट गए, डरपोक के भाग गया सर। नहीं, सरकार तो आपको बचाने के लिए ना कर रही है। बात तो ठीक है। यहाँ पे एक मिठाई वाला है जो खुद से अपना मिठाई बनाता है और बेचता है। बाबू, ये मिठाई खुद से बनाते हो? नहीं। कहाँ से लाते हो? घर का बगल में रहता है उसी से। पढ़ते हो? हाँ। कौन क्लास में? 5। स्कूल कब जाते हो? अभी स्कूल नहीं खुला। स्कूल नहीं खुला, ऑनलाइन चल रहा है ना क्लास? नहीं। क्या क्या मिलता है? दाल भात सब्जी और अंडा। दाल भात सब्जी अंडा डेली? हाँ। तुम बच्चे हो, तुमको पता है कि कोरोना बहुत खराब बीमारी है? हाँ। पता है, मास्क नहीं लगाए हो? मास्क कहाँ नहीं लगाए हो? हेमंत सोरेन जी तुमको देख रहे हैं,
उनसे कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। का है? अरे मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का अभी? झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। शिक्षा मंत्री कौन है? मोदी जी। देखिए ये बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूल का ये स्टूडेंट है और ये कह रहा है कि राज्य का झारखंड की शिक्षा मंत्री जो है वो मोदी जी हैं। शिक्षा मंत्री मोदी जी हैं? हाँ। अच्छा प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी है, शिक्षा मंत्री नहीं पता। स्कूल में तुमको नहीं बताया गया शिक्षा मंत्री कौन है? 2 महीना बंद हो गया, स्कूल भूल गए। स्कूल में बताया जाता है? हाँ? स्कूल में बताता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? बताया जाता है। क्या बताया जाता है? सब भूल गए अभी जी। देखिए स्कूल बंद होने के बाद बच्चे भी भूल गए हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पे एक आइसक्रीम वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि मास्क क्यों है ज़रूरी। भैया क्या नाम हुआ आपका? मिंटू कुमार साह। मिंटू कुमार साह, ये बताइएगा आप मास्क नहीं लगाएं, कोरोना का थर्ड वेव बहुत ख़तरनाक है, सरकार बार बार चेतावनी दे रही है फिर भी मास्क नहीं लगाए, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे आइसक्रीम खाने के लिए। जी मास्क आप नहीं लगाएं? लगा रहे हैं। आपने एशिया न्यूज़ के कैमरा को देखकर मास्क लगाया या पहले से क्यों नहीं लगाया था भैया? लगाए थे, बात कर रहे थे फ़ोन पर ना, उसी निकाल लेते हैं। अच्छा जितने लोग आपके पास आइसक्रीम खरीदने आते हैं बहुत सारे बच्चे भी आते होंगे, क्या सारे बच्चे मास्क लगाते हैं? बहुत कम। बहुत कम। तो उस बच्चों से उनके पेरेंट्स से क्या आप कहना चाहेंगे कि मास्क लगाइए क्योंकि कोरोना का थर्ड वेव बहुत खतरनाक है, क्या कहना चाहेंगे उनके बच्चों? कोरोना का थर्ड वेव जो है अक्टूबर में आने वाला है, बहुत खतरनाक है। एक अच्छी बात यह है कि झारखंड में अभी जो कोरोना का थर्ड वेव का जो नया वेरियंट आया है उसके एक भी केस झारखंड में नहीं है। आप अगर पड़ोसी राज्य की बात करें बिहार में, महाराष्ट्र में, सारे जगह पर मिल गया, लेकिन झारखंड में नहीं है। इन बहुत सारे बच्चे जो हैं विदाउट मास्क निकल जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो इसमें गलती किनको आप देना चाहेंगे, पेरेंट्स को या बच्चे को?